नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। बंधन बैंक डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा, घटना में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। एक्स्ट्रा क्लास के बहाने शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ की छेड़खानी, शिकायत करने पहुंचे पीड़िता के पिता के साथ की मारपीट। जिले में 7 निश्चय योजना में जमकर हो रही है अनियमितता, कार्य अधूरा छोड़ ठेकेदार फरार, बीडीओ ने की जांच। संपत्ति विवाद को लेकर बांका में पुत्र ने की पिता की जमकर पिटाई, हालत गंभीर। और दानापुर में रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर 1 दर्जन ट्रेन बाधित, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सबौर स्थित बंधन बैंक की शाखा से दिन दहाड़े हुई डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डाका कांड में शामिल 3 सातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन अपराधियों के पास से लूटे गए रुपए में से 18,000 नगद, 1 मोबाइल और घटना में प्रयोग किए गए बाइक को बरामद किया है। भागलपुर SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। SSP ने कहा कि लूट कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए CT DSP राजवंश सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम में शामिल अधिकारियों के द्वारा अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 सातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि घटना में शामिल अन्य अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। SSP ने कहा कि बंधन बैंक से 50,000 रुपए और CCTV की लूट अपराधियों द्वारा की गई थी। वहीं SSP ने घटना में शामिल अन्य अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। भागलपुर जिला के सबौर थाना अंतर्गत बंधन बैंक के एक शाखा में लगभग 11 बजे दिन में 4-5 अज्ञात नकाबपोश अपराध कर्मी के द्वारा 50,000 रुपए और कुछ अन्य कंप्यूटर और टैबलेट के अन्य सामान की डकैती की गई थी। और इस मामले में हम लोगों ने जाकर के वहाँ पर अनुसंधान प्रारंभ किया था। डॉग स्क्वाड और FSL की भी मदद ली गई थी। और इसको इस मामले को उद्भेदन के लिए हम लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसके द्वारा कई दिनों से छापेमारी की जा रही थी और इसी छापेमारी के क्रम में जो इसमें इस घटना में शामिल हैं जो अपराधी, जिनका नाम है अटल कुमार, मुकेश कुमार तथा ओम बिहारी मंडल, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों जो भी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके द्वारा इनके पास से इस मामले में जो लूटा गया 50,000 में से 18,000 रुपये बरामद किया गया है, 1 मोबाइल बरामद किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। अभी तक जो इसमें अपराधी जो पकड़ाए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी प्राप्त किया गया है, जिसमें से 0 माइल थाना में 2 केस है ओम बिहारी मंडल के ऊपर तथा अटल कुमार और मुकेश कुमार शराब के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है। तो इस तरीके से ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण मामला था, जिसमें पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से अनुसंधान करके इसमें अरेस्टिंग किया गया है और रिकवरी की गई है। इस मामले में कुछ अन्य अभियुक्त भी फरार हैं, जिनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर के नाथनगर में शिक्षक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास देने के नाम पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने शिक्षक के द्वारा किए गए अश्लील हरकत की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के माता पिता शिक्षक की घिनौनी हरकत की शिकायत करने उसके घर पहुंचे, जहां शिक्षक और उसके करीबी लोगों ने पीड़ित छात्रा की मां और पिता के साथ मारपीट की और धक्का देकर भगा दिया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर का है। बताया जा रहा है कि छात्रा के माता पिता को पढ़ाई में कमजोर होने की बात कहकर आरोपी शिक्षक संजीत कुमार एक सप्ताह से एक्स्ट्रा क्लास दे रहा था। इसी दौरान शिक्षक संजीत लगातार छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। शुक्रवार को शिक्षक ने गुरु शिष्य की सारी हदें पार कर दी, जिसके बाद छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद पीड़ित छात्रा को लेकर उसकी माँ और पिता नाथनगर थाना पहुंचे, जहां आरोपी शिक्षक संजीत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। हालांकि घटना के बाद आरोपी शिक्षक घर छोड़कर फरार हो गया है। 3 दिन पहले से पहले मेरे बच्चे जाते थे 4 बजे, उसके बाद 3 बजे, उसके बाद बुलाने लगे 2 बजे।
तो मेरे बच्चे जाने लगे 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ाने लगे। सब बच्चों को छुट्टी दे देता और मेरी बच्ची को अकेले रखते थे। अकेले जब रहते थे उसके बाद वो कंधे पर हाथ धर के पढ़ाता था। वो बच्चा को हम बोले आप छेड़खानी क्यों करते हैं, बोलता हम छेड़खानी नहीं की, आप बुलाइए। हम बोले क्यों बुलाएंगे उसको, हम जब हम आया तो आपको क्यों बुलाएंगे। तो वही बोला नहीं होगा तो हम कैसे फिर समझेंगे। तो ऐसे सबको आके गांव वाले लोग मिलके हमको मारने लगा, 8-10 लड़का। करीबन शाम में पता चला कि 12 साल की बच्ची के साथ उसी के टीचर ने कुछ गलत हरकत किया। इवन शोल्डर पे, कमर पे हाथ रखने की कोशिश की। अब बच्ची तो डर से इतना ही कह रही है, पता नहीं इसके आगे क्या हुआ होगा। और हम लोग भागलपुर से आए हुए हैं नाथनगर, और हमको लगता है कि इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेना चाहिए प्रशासन को भी और आम जनता को भी, कि ऐसी हिम्मत ना करे कोई टीचर। शिक्षक जो होते हैं वो ज्ञान के दर्शन होते हैं, स्रोत हैं। और अगर इस तरह से बच्ची के साथ गलत होगा तो ये अविश्वास की बात हो गई। ये बहुत घृणित काम है और आए दिन अब देखने को मिल रहा है कि ऐसी ऐसी हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अभी हमको शाम में पता चला कि एक 10-11 साल की एक लड़की है, वो कहीं ट्यूशन पढ़ने, कोचिंग करने जाती थी। वहाँ के मास्टर जो है इसके साथ गलत हरकत करते थे। उसके लिए इन्होंने कहा कि हम अभी, हालांकि इनको जो मास्टर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेंट पर वो कोचिंग चलाता है, लेकिन हम सारे जगह का जायजा ले लिए हैं, वो स्थान कहाँ है जहाँ पर वो कोचिंग चलाता है। और ये लड़की पर यदि गलत हरकत करेगा तो उसको कभी बख्शा नहीं जाएगा। हम अभी भी जाके वहाँ पर सारा डिटेल्स ले लिए हैं और सुबह भी हम वहाँ जाएंगे और जाके पता करेंगे कि वह मास्टर कौन है और कैसी उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन का जायजा लेने शनिवार को सन्हौला BDO अरविंद कुमार सिल्हन खजूरिया पंचायत पहुंचे। BDO ने पंचायत के 2, 3, 6 और 11 नंबर वार्ड का निरीक्षण किया। इसके अलावा अरार पंचायत के वार्ड संख्या 2, 5, 6 और 7 का भी BDO अरविंद कुमार ने निरीक्षण किया और सभी वार्डो में निरीक्षण के बाद योजना को जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों एवं कर्मियों को दिया, जबकि जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से भी कई जानकारी ली। इस दौरान प्रखंड कनीय अभियंता सुभाष प्रसाद, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत कुमार, उप मुखिया संतोष भगत समेत कई लोग मौजूद थे। बांका में जमीन विवाद को लेकर पुत्र ने ही अपने वृद्ध पिता की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चानन थाना क्षेत्र के नारायण डी गाँव में शनिवार को श्रवण दास अपने पिता से जमीन में हिस्सेदारी और रुपया देने की मांग कर रहा था। तभी पिता आनंदी दास ने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रुपए देने से इनकार कर दिया। यह बात श्रवण को नागवार गुजरा और श्रवण ने लाठी डंडे से पिता की जमकर पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे छोटे भाई मनोज दास की भी पिटाई श्रवण ने कर दी। घटना की सूचना मिलते ही चानन थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना के जांच में जुट गई। वहीं डॉक्टरों ने आनंदी दास की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया। बोल की बाप ही मर देते इतने तब आप से इनको बात झगड़ा नहीं छके लड़ा झगड़ा छको यह टके पैसा ये कदर से वजह से ससुराल वजह से तुम मारी दो सारो ससुर भी लोग मरवाया है जो उसको मार दो या नहीं दी ससुराल के चक्कर से इसको मार दिया मां से सिखा करके भेजा है इसको मर दिया रात से 8 बजे रात को सब मिल के सब चारों पाँचों मिल के मर दिया कमल दास भागलपुर से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रविवार से भागलपुर से होकर गुजरने वाली सियालदह वाराणसी एक्सप्रेस, सियालदह आनंद विहार एक्सप्रेस अप और डाउन का परिचालन रद्द रहेगा, जबकि दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन भी 9 से 19 जून तक रद्द रहेगा। हालांकि विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस पूर्ववत पटना रूट से होकर ही चलेगी। दरअसल पूर्व मध्य रेल के दानापुर स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है और इसको लेकर पटना और भागलपुर रूट की कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेन के रूट बदले गए हैं। रूट रिले इंटरलॉकिंग के कार्य चलने तक ब्रह्मपुत्र मेल, सूरत एक्सप्रेस, न्यू फरक्का एक्सप्रेस, अजमेर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और मालदा टाउन एक्सप्रेस का परिचालन रूट बदल कर क्यूल गया रूट से होगा। बहरहाल 9 से 19 जून तक भागलपुर से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं
ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। किसान अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। अपनी शादी की सालगिरह पर बड़ी बड़ी पार्टी करते तो काफ़ी लोगों को देखा होगा, लेकिन जब कोई अपनी सालगिरह पर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करे तो उसकी बात ही अलग होगी। भागलपुर के TNB कॉलेज जंतु विज्ञान परिसर में शनिवार को कॉलेज के पूर्व छात्र और पर्यावरणविद राहुल रोहितास ने अपनी सालगिरह पर कई पौधे लगाए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान गुड़हल, चाइना रोज, मीठा नीम समेत कुल 10 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर PG जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर DN चौधरी, साहित्यकार विजयवर्धन के अलावा कई लोगों ने राहुल के इस पहल की सराहना की। राहुल रोहितास ने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर पौधारोपण करने से पर्यावरण को लाभ होगा और पेड़ पौधे के रहने से मनुष्य के साथ समस्त जीव जंतु और प्रकृति को इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा सकता है। ऐसा है, यह मेरे शादी के 5वीं वर्षगांठ है, तो उस वर्ष मैंने सोचा इसको कैसे मनाया जाए, तो पौधारोपण सबसे बढ़िया उपाय है। इससे सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा और लोग पर्यावरण के संरक्षण में आकर्षित हों, ये मेरा मेन उद्देश्य है। भागलपुर पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त अपहृत मनोज मंडल को सकुशल बरामद कर लिया है। SSP आशीष भारती ने कहा कि 6 जून को इकचारी दियारा निवासी जयप्रकाश मंडल की पत्नी सत्यभामा देवी अपने विक्षिप्त बेटे को झाड़ फूक कराने मौलाना चक आई थी। इसी दौरान मनोज वहां से भाग गया, जिसके बाद मनोज की मां ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान 7 जून की सुबह मनोज के मोबाइल से अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 5 लाख रुपए फिरौती देने की मांग, जिसके बाद मनोज के परिजनों ने SSP आशीष भारती से न्याय की गुहार लगाई। वहीं SSP ने मामले के उद्भेदन के लिए CT DSP राजवंश सिंह के नेतृत्व में SIT का गठन किया। SIT की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर ततारपुर पश्चिमी कैबिन के पास से मनोज को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि अपहरणकर्ता भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। SSP ने कहा कि घटना में शामिल सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल दिनांक 6 जून को मनोज मंडल, पिता जयप्रकाश मंडल, जो कि इकचारी दियारा का रहने वाला है, इकचारी थाने का, वो अपनी मां के साथ मौलाना चक में आया था। उसकी कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, इसको इसलिए झाड़ फूक कराने के लिए ये मौलाना चक में आया था और मौलाना चक से इसको कुछ लोगों ने अपने साथ लेकर के चले गए थे और जो उसकी माँ है उसने खोजने का प्रयास किया था लेकिन नहीं मिला। और आज सुबह में जो पीड़ित पक्ष है उनको यह फोन आया कि मनोज मंडल को अपहरण कर लिया गया है और 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई उसको छोड़ने के लिए। इस सूचना जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो काफ़ी गंभीरता से लिया गया और CT SDPO के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष, ततारपुर थानाध्यक्ष, हबीबपुर थानाध्यक्ष, ततारपुर के अन्य पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण शामिल थे और इन लोगों के द्वारा इस मामले में इस अच्छे तरीके से घेराबंदी करके जो किडनैपर्स हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस टीम को देख करके किडनैपर्स भाग गए। और परंतु पुलिस ने जो मनोज मंडल जिसको अगवा किया गया था
उसको उनके चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया गया है। इस तरीके से पुलिस के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सूचना मिलने के करीब 3 से 4 घंटे के अंदर ही जो अपहृत है उनको उनकी सकुशल बरामदगी की गई है। जो अपराधी हैं उनकी भी शिनाख्त कर ली गई है और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर पुलिस केंद्र से शनिवार को SSP आशीष भारती के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पटेल चौक होते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा और शहर की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। आए दिन हो रही आपराधिक वारदातों से शहर में बने दहशत के माहौल को देखते हुए भागलपुर पुलिस की ओर से अपराधियों पर नकेल कसने और लोगों का भरोसा जीतने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर में शांति व्यवस्था बहाल करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान सिटी DSP राजवंश सिंह समेत कई थानों की पुलिस मौजूद थी। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राजपूत टोला में शुक्रवार की रात छेड़खानी का विरोध करने पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि राजपूत टोला निवासी गोपाल शाह के रिश्तेदार की बेटी पर कुछ लोगों की बुरी नजर थी और इसका विरोध करने पर गलत नीयत से 3 युवक घर में घुसे और मारपीट की, जिसमें गोपाल शाह की पत्नी प्रेमलता देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गोपाल शाह ने पुलिस को बताया कि मारपीट करने वालों में अमरजीत यादव, विष्णु पासवान और रुपेश कुमार उर्फ मंगा यादव शामिल है। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद का स्टडी और परीक्षा सेंटर बनाया गया है। यह बिहार का 5वां सेंटर है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बताया कि BA, BSc, BCom और MA में ऑनलाइन नामांकन जारी है। साथ ही छात्र सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सेंटर के समन्वयक डॉक्टर तनवीर आलम ने कहा कि इंटरमीडिएट के समकक्ष डिग्री रखने वाले सभी छात्र मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय में नामांकन करा सकते हैं। डॉक्टर तनवीर ने कहा कि ऑनलाइन नामांकन में अगर किसी छात्र को समस्या होती है तो वैसे छात्र कॉलेज से संपर्क करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए मेधा सूची जारी कर दी है। इस सूची के आधार पर विद्यार्थी कक्षा 11वीं में 10 जून तक नामांकन ले सकते हैं। शनिवार को भागलपुर के TNB कॉलेज में नामांकन लेने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। सत्र 2019-21 के लिए जारी किए गए कट ऑफ लिस्ट वेबसाइट OFSS पर जारी की गई है। वहीं TNB कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं। छात्रों को बायोलॉजी ग्रुप के लिए 949, मैथ्स ग्रुप के लिए 936 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 873 रुपए शुल्क देने पड़ेंगे, जबकि SC ST छात्रों को जाति प्रमाण पत्र दिखाने पर 144 रुपए कम देने पड़ेंगे। 11वीं का नामांकन का फर्स्ट लिस्ट निकला हुआ है, 10 तारीख तक फर्स्ट लिस्ट चलेगा। काउंसलिंग TNB कॉलेज के हॉल में व्यवस्था कर दी गई है, डिफरेंट टेबल्स बनाकर, और ग्रेजुएशन के लिए 10 तारीख से प्रक्रिया शुरू होगी और 18 से को ख़त्म होगी। इसके लिए भी हर एक विभाग में उसका नामांकन केंद्र बनाया गया है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। बंधन बैंक डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा, घटना में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। एक्स्ट्रा क्लास के बहाने शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ की छेड़खानी, शिकायत करने पहुंचे पीड़िता के पिता के साथ की मारपीट। जिले में 7 निश्चय योजना में जमकर हो रही है अनियमितता, कार्य अधूरा छोड़ ठेकेदार फरार, BDO ने की जांच। संपत्ति विवाद को लेकर बांका में पुत्र ने की पिता की जमकर पिटाई, हालत गंभीर। और दानापुर में रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर 1 दर्जन ट्रेन बाधित, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।